जी राम राम सभी को। कैसे हो आप सभी? हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। हरियाणा सरकार ने एक नई भर्ती की अपडेट दी है, जो फायर ऑपरेटरों की भर्ती है, चालकों की भी होगी इसके साथ भर्ती। 2063 पद है जो फायर ऑपरेटरों चालकों की होगी सीधी भर्ती। जो फायर ऑपरेटरों की और चालकों की भर्ती है वो सीधी भर्ती होगी। भाई इसकी पूरी अपडेट पढ़ लेते हैं। हरियाणा सरकार शहरी स्थानीय निकाय विभाग में 2063 फायर ऑपरेटर चालकों की सीधी भर्ती करेगी। ठेकेदार के जरिए लगे फायरमैन और ऑपरेटर की स्वीकृति पदों पर समायोजित नहीं किया जाएगा। सरकार के सीधी भर्ती को मंजूरी देने से ठेका कर्मियों को तगड़ा झटका लगा है। आगे पढ़ लेते हैं। फायर ऑपरेटरों और चालकों के पदों को हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के जरिए भरा जाएगा। जो फायर ऑपरेटर के पद है उसको हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के तहत पद भरे जाएंगे। आगे इसकी पूरी जानकारी पढ़ लेते हैं। शहरी स्थानीय निकाय विभाग ने सरकार की मंजूरी के बाद आयोग को काफ़ी पहले डिमांड भेज दी थी। अब आयोग ने इन पदों को भर्ती प्रक्रिया के लिए विज्ञापन भी कर दिया है। 10-15 वर्षों से विभाग के रोल एवं ठेके पर लगे फायरमैन व ड्राइवर की काफ़ी समस्या से ऑपरेटर चालकों के 2268 पद स्वीकृत खाली पदों पर संयोजित करने की मांग कर रहे थे, लेकिन सरकार ने सीधी भर्ती के जरिए ही इन पदों को भरने का फैसला किया है। इन पदों को भी HSSC की तरफ से भरा जाएगा। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग है वो भरेगा भाई इन पदों को। ठेकेदार के जरिए लगे फायरमैन ऑपरेटर स्वीकृति पदों पर नहीं होंगे संयोजित। ये भाई ठेकेदार के जरिए अब नहीं लगेंगे, अब हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग करेगा फायर ऑपरेटर और चालकों की भर्ती। ये बड़ी अपडेट है। 2063 पद हैं इनके, जिसके पास डिप्लोमा है वो भाई जरूर भरे ये फार्म। और चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।